सिसईपुरा के प्रसव केंद्र पर नहीं कोई सुविधा, दोपहर 12 बजे लटके मिले ताले। खबर सिसईपुरा से है, जहां ग्राम में महिलाओं को डिलीवरी के समय परेशानी न उठानी पड़े, इस जनहित उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा कुछ साल पहले यहां सुरक्षित प्रसव केंद्र खोला गया था, जिसका उद्घाटन पूर्व कलेक्टर शिवम वर्मा और भाजपा के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी के कार्यकाल में किया गया था। मगर अब आप हकीकत सुनिए, प्रसव केंद्र का कोई भी लाभ वहाँ की महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। डिलीवरी के लिए महिलाओं को कराहल या श्योपुर ही जाना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो उद्घाटन के बाद 2-4 डिलीवरी ही बस वहां हुई होंगी, तब से लेकर अब तक मनमर्जी ही चली आ रही है। अधिकतर समय मुख्य गेट पर ताला ही लटका रहता है, कभी कभार ही प्रसव केंद्र खुलता है, और यदि खुलता भी है तो वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं रहता। सुविधा के नाम पर बस दीवारों पर चित्रकला कर दी गई है, बस चित्रों को देखते रहिए और स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद करते रहिए। सरकार के लाखों रुपए खर्च कर बनाया हुआ प्रसव केंद्र ग्रामीणों के लिए सिर्फ दिखावा ही साबित हो रहा है। जब करहल बीएमओ ने से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वहां के स्टाफ के लिए अलग से बजट नहीं आता तो कोई कैसे काम करेगा। अब यह सवाल यह उठता है कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए बजट ना आ पाना इतना कठिन क्यों हो रहा है, या जिम्मेदारी ही नहीं चाहते कि यह व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रह सके। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्यों अभी क्या समय हो रहा है? बस 12 बजे। तो ये जो प्रसव केंद्र अभी तक तो यहाँ पे खुला नहीं है, ताले लगे हैं इसमें? लगे, बिल्कुल ताले लगे हैं। तो क्या ऐसे ही चलता है यहाँ? यस आई। तो ये जो प्रसव के लिए जो आते होंगे तुम्हारे ग्रामवासी, उनको सुविधा नहीं मिल रही है इससे? क्या सुविधा है, ताले लगे हैं, कुछ ताले लगे रहते हैं। तो ये कब से ऐसे ही, जब से खुला तब से ऐसी व्यवस्था है यहाँ? बस बेड के दिखाने के लिए डाल रखे हैं क्या? बस ये का दो डिलीवरी भाई हुई तो नहीं नहीं भाई। अरे तब से ताले, कोई स्टाफ भी नहीं आता यहाँ? नहीं, कोई नहीं आता है। और जहाँ मैं जी ताले डरे हैं, जहाँ का स्टाफ आ तो डरे हैं ताले, बिल्कुल। गिरिराज शर्मा। गिरिराज जी, जो प्रसव केंद्र सिसईपुरा में, इसमें लोगों की शिकायत है कि यहाँ डिलीवरी नहीं होती है, केवल नाम का प्रसव केंद्र है, क्या मामला है? अभी मामला तो यही चल रहा है, यहाँ का जो प्रसव केंद्र है वो बंद रहता है, और जितनी भी डिलीवरी होती है वो श्योपुर या कराल में का नाम है रेफर की जाती है यहाँ से, उसमें ताला लगा रहता है, और ऐसी कोई सुविधा भी एक भी स्टाफ है क्या यहाँ पे? स्टाफ पहले था, एक आध महीने के लिए खुला था, उसके बाद में फिर ताला लग गया है। तो ये प्रसव केंद्र का फिर कोई लाभ यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है क्या? अभी कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।